बिग बॉस ओटीटी सीजन में कल के दिन में हुआ था नॉमिनेशन का टास्क, जहां पे संचालक का रोल प्ले कर रहे थे अभिषेक मल्हान और वहीं पे जिया शंकर भी थी, और इन दोनों को नॉमिनेट करना ऑब्वियसली मना कर दिया गया था बिग बॉस की तरफ से। लेकिन जब एग्जैक्टली नॉमिनेशन शुरू हुआ तो क्या क्या कांड हुआ, देखो टास्क ये था कि अपनी कोई भी कीमती सामान दे करके किसी और को जो है आप नॉमिनेट कर सकते हो, और आपका सामान कीमती है या नहीं और आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट होगा या नहीं ये चीज छोड़ा गया था जिया और अभिषेक पे। इन दोनों को मिलकर के फैसला करना था कि हमें किसका नॉमिनेशन लेना है और किसका नहीं लेना है। भाई लिटरली उस वक्त में ऐसा फील हुआ कि बेबिका की अंदर से एकदम जल सी गई कि यार हर अथॉरिटी इन लोगों के हाथ में क्यों दिए जाते हैं, सारे पावर इनके हाथ में क्यों दिए जाते हैं, मतलब अभिषेक मल्हान के हाथ में। और उसके बाद से एक एक करके चीज लाई और वो नॉमिनेट करना चाह रही थी मनीषा को। सबने अपने अपने हिसाब से अपना सामान दिया और जिसको भी घर से निकालना है उसका नाम दे दिया। पूजा पर सच कहूं तो वह बहुत बड़ी खिलाड़ी है। इस मैडम ने कहा कि मैं टेस्ट करना चाहती हूं अपनी दोस्ती को कि इस नॉमिनेशन के बाद में रहता है या बदलता है। इस चीज को अगर सही से किसी ने ऑब्जर्व किया है ना तो वो है अभिषेक मल्हान। फुकरा इंसान जो है भाई, वो क्यों फुकरा इंसान है, क्यों ये यूट्यूबर है, ये चीज समझ में आता है भाई। उसका काम ही है कि वीडियो बनाने से पहले सोचना समझना, उसके बाद से कुछ कहना। वो भाई पूरे घर के अंदर में बैठ के ये ऑब्जर्व कर चुका है कि आज तक जो जो लोग पूजा भट्ट के करीब आए हैं, मतलब दोस्ती किए हैं, उन सबको उन्होंने नॉमिनेट किया है, और वो नॉमिनेशन किए बिना रहती नहीं, और बाद में कुछ मीठा सा गुड़ गुड़ लगा करके बता देती है कि देखो ये एक टेस्ट है। जो कि मुझे अच्छा लगा, जिया और अभिषेक ने कहा कि यही चीज, मनीषा ने भी कहा कि यही चीज अगर तुम नॉमिनेट करने के बाद बोलते तो समझ में आता, तुम पहले ही बोल दिए, मीठा मीठा बोल करके नॉमिनेट कर दिए। तो असली डिप्लोमेसी इसको कहते हैं, ना कि मनीषा रानी को। मनीषा जो है बेबिका को लेकर के थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि मुझे इससे दोस्ती रखनी है, उसका शायद कुछ तो कनेक्शन है बेबिका के साथ में, जिसकी वजह से वो वहां पे डिप्लोमेसी दिखा देती है, लेकिन उसको पूरे तरह से डिप्लोमेट कहना भाई मुझे नहीं लगता है। तो कल के टास्क के अंदर में बहुत सारी चीजें हुई और एक चीज बहुत मजा आया कि भाई अभिषेक जो है चढ़ गया एकदम मोटी भैंस पे। नहीं मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा हूं, मैं खुद मोटा हूं यार, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस तरह से लोगों को चिढ़ हो जाती है ना, फिर इंसान सामने वाले को कुछ भी बुलाता है, तो अभिषेक भी यही कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग सी बात, हो सकता है कि अभिषेक मल्हान की भाभी बन जाए बेबी का, क्योंकि बातों में यही निकल कर आया कि मेरा भाई बहुत शांत रहता है, यानी वो निश्चय की बात कर रहा था, ट्रिगर इंसान की, वो बहुत शांत रहता है और ये एकदम चुपी नहीं होती, तो दोनों की जोड़ी एकदम सही रहेगी, वही इसको झेल पाएगा। उसने पता नहीं कौन से सेंस में कहा और उसके बाद से ये चीज घर पे बहुत अलग तरह से खींचा गया मजाक मस्ती में, और बंदी कहती है मुझसे मिलवाना एक बार। मैं कह रहा था कि माँ बाप देख के बोलेंगे हम सुसाइड कर लेंगे भाई, इसको घर मत लाना, पर फिर भी भाई वो मजाक कंटिन्यू चलता रहा और वो पता नहीं कैसे करके भाभी वाला वहां पे मामला आ गया सामने में, बहुत कॉमेडी हो रहा था। उस कॉमेडी में भाई बहुत अच्छे से लिया गया। बंदे ने एक चीज और जो कि सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है कि अभिषेक मल्हान जो है हर बार अपना मतलब एक पावर दिखाता है कि उसके पास जनता है, उसके फॉलोअर्स है, उसके सब्सक्राइबर है इतने सारे कि तुम्हारी बैंड बजा देंगे। थोड़ा सा मुझे भी लगा कि बंदे ने कहा कि अगर मैं अभी एक नाम बता दूं तो वो नाम जो है ना पूरी इंडिया में छा जाएगा, पूरी इंडिया में वायरल हो जाएगा। इसका इनडायरेक्टली मीनिंग यही था कि अगर मैंने कोई नाम रख दिया तो हर जगह पे ट्रेंड करेगा। अभी तक तो उसने बबीता बबीता कहा है, सोफा कहा है, टुनटुन। अरे हाँ यार, टुनटुन से याद आया, पूजा मैम कह रही थी कि किसी को टुनटुन कहना जो है ये सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अभिषेक मल्हान इस चीज पे खेल जाएगा अगर इस चीज को मुद्दा बनाया गया या इस चीज पे क्लास लगाया गया सलमान की तरफ से वीकेंड के वार पे कि तुमने उसको टुनटुन क्यों कहा। बंदा सीधा कहेगा कि आई वाज नॉट ट्राइंग टू डू एनी बॉडी शेमिंग, कि हाँ मैं उसका उस तरह से बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बंदा सीधा कहेगा कि टुनटुन का मतलब क्या है, टुनटुन है कौन। मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में ये आ रहा है या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ टुनटुन एग्जैक्टली कौन है। देखो पहले की पुरानी मूवीज में जो है ना टुनटुन बोल के एक कैरेक्टर है, जो कि मैंने अपने घर के पेरेंट्स से सुना है, लोगों से सुना है, जो भी पुराने लोग हैं उनसे सुना है कि टुनटुन बहुत ज्यादा चलता था। तो पहले जो हत्ते कट्टे होते थे बच्चे मतलब लड़कियों में, उसको टुनटुन बोलते थे, पर एग्जैक्टली वो टुनटुन जो ऐसा कैरेक्टर प्ले करती थी कि बहुत ही कमीनी, बहुत ही चालाक किस्म की औरत है और हर जगह पे जाकर के पिन मारना, एग्जैक्टली वो टुनटुन है। तो अभी यहाँ पे अगर बॉडी शेविंग का पार्ट हटा दोगे ना तो ये यही बचेगा, और अगर बोल दिया तो भाई तुम क्या ही उखाड़ लोगे। तो कल के एपिसोड में यही था। अभी आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या सही लगा, आप मेरे बात को एग्री करते हो या नहीं, कमेंट सेक्शन पे जाकर के लिख करके बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।